ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि मनुष्य का अंत समय की स्मृति का क्या महत्व है, क्योंकि कहा जाता है अंत समय जो जैसे स्मृति करते हैं उसी के आधार पर उनकी गति होती है। अर्थात अंत समय की स्मृति दूसरा जन्म का आधार भी बन जाता है। कैसे? हालांकि इस पर शास्त्र में कई बातें हैं, खास गरुड़ पुराण में कहते हैं अंत समय में अगर कोई अपने बच्चों को याद करते हैं तो उनको सुकर योनि में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर अंत समय में कोई धन को याद करते हैं तो उनको सर्प योनि में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अंत समय में अगर कोई नारायण को याद करते हैं, मतलब अंत समय में अगर कोई भगवान को याद करते हैं तो देवकुल में नारायण जैसा उनको बार बार जन्म मिलेगा। यह सारी बातें अंत समय की स्मृति का इतना महत्व बताया गया है। बाकी मनुष्य आत्मा कभी भी जंतु जानवर की योनि में नहीं जाते हैं। स्वयं परमात्मा आकर बता रहे हैं कि मनुष्य आत्मा मनुष्य की योनि में ही जाते हैं। कैसे? उसको हम दूसरे वीडियो में स्पष्टीकरण करेंगे, लेकिन आज ही हम स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्य के अंत समय की जो स्मृति है उसी के आधार पर उनकी कैसे गति होती है। अर्थात मृत्यु के समय की जो स्मृति है वही स्मृति दूसरा जन्म का आधार कैसे बन जाता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। आत्मा जो शरीर छोड़ते हैं, आत्मा चेतन होती है और उनके साथ खास तीन शक्तियां होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा शरीर छोड़ते समय अगर कोई बात अगर गहरे रूप में आत्मा को शोक लग जाते हैं, कोई गहरे रूप में दुख पहुंचती है, कोई बात गहरे रूप में अगर आत्मा मन में पकड़ लेती है, वो बात कभी भी भूलती नहीं है, उस बात को पकड़ के रखते हैं और उसी स्मृति के आधार पर उसी के आसपास में वो चक्कर लगाते हैं और उसी के आसपास में ही उनका जन्म होता है। कैसे? एक छोटी सी घटना से आप समझ जाएंगे। एमपी की एक घटना आपको सुना रहे हैं। एक गांव में कहीं से दो जवान वहां काम करने के लिए आए थे। एक का नाम था रामदास और दूसरे का नाम था श्यामलाल। ये दोनों पढ़ा लिखा में कमजोर था तो दूसरे के घर में गाय भैंसे चराने का वो काम करता था। तो एक दो साल वो लोग गाय भैंसे चराने का काम करता है और ये दोनों आपस में मिलता था और दोनों आपस में दोस्त बन जाता है। और ये दोनों आपस में मिलकर वो प्लान करते हैं कि हम दोनों यहाँ किसी की जमीन लेकर हम लोग खेती करते हैं और हम दोनों एक साथ में रहते हैं। तो दोनों दोस्त बनने के कारण वो लोग वो गाय भैंसे चराने का काम छोड़कर दूसरे की खेती लेकर वो लोग खेती करना शुरू कर देते हैं और 2-4 साल में ही उनको अच्छा पैसा कमाई हो जाता है। तो 2-4 साल के बाद उन्होंने उसी गांव में ही एक छोटी सी जमीन भी ले लेते हैं और एक झोपड़ी भी बना लेते हैं। तो उस झोपड़ी में ये दोनों आपस में मिलकर दोस्त बनकर रहता था और दूसरे की खेती लेकर खेती करता था। इसी प्रकार से 4-5 साल बीतता है। 4-5 साल के बाद उन्होंने उस गांव के एक बड़ी जमींदार की बड़ी जमीन पर खेती करते हैं और उसमें उन्हों को बहुत अनाज मिलता है और सारा अनाज उन्होंने मंडी पर एक साथ ही बेच देते हैं। और बेचने के बाद जो उनको जो पैसा मिला था सारा पैसा लेकर वो लोग झोपड़ी में आते हैं। और एक साथ ये सारा पैसा देखकर वो श्यामलाल की बुद्धि भटक जाती है। वो श्यामलाल ये सोचता है ये सारा पैसा अगर अकेला मुझे मिल जाए तो मेरा भविष्य बन जाएगा। ऐसा सोचकर वो अपना दोस्त को ये बताते हैं चलो आज हम लोग जंगल में पिकनिक करते हैं, पार्टी करते हैं। तो दोस्त होने के कारण वो मान जाता है और दोस्ती होने के कारण वो जंगल में पार्टी करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये श्यामलाल उसको कहाँ खत्म करके कहाँ दफना के आते हैं उस गांव में किसी को कुछ भी पता नहीं चला। गांव में सबको ये बताया कि अनाज बेचकर जो पैसा मिला वो पैसा लेकर वो अपना गांव में चला गया। उस बात को पूरा छिपा देते हैं और उस पैसा से उन्होंने और भी जमीन खरीद करते हैं, वहां एक अच्छा घर भी बना लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं और उनका एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन उनके मन में एक हमेशा घबराहट होता था कि कोई मुझे ये पैसा छीन ना ले। तो वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उनके प्रॉपर्टी उनके बच्चे के नाम पर कर देता है। तो उनका बच्चा बहुत समझदार था, समाज सेवा के लिए हमेशा रुचि रखता था। इस प्रकार से धीरे धीरे वो बच्चा
जवान हो जाता है। जवान होने के बाद एक दिन उनको अचानक अटैक आ जाता है। अटैक आने के बाद उनका पिताजी उनको बड़ा हॉस्पिटल में उनको एडमिट करते हैं बचाने के लिए, और ये सोचते हैं उनके नाम पर जो थोड़ी प्रॉपर्टी है वो थोड़ी प्रॉपर्टी हम बेच देते हैं। जब वो बेचने के लिए जाते हैं तब देखते हैं उनके नाम पर जो भी प्रॉपर्टी थी वो सारे पहले से ही बेच देते हैं। ये देखकर पिताजी को दुख तो होता है, लेकिन अपना बच्चा है उसे बचाने के लिए घर का आधा हिस्सा वो बेच देता है। बेचकर ये पैसा डॉक्टर को देते हैं उनका बच्चा को बचाने के लिए, और डॉक्टर ऑपरेशन के बाद थोड़ा समय किसी से मिलने नहीं दिया। और ये श्यामलाल वो अंदर ही अंदर वो तड़प रहे थे कब उनका बच्चे से मिले और कब जाकर बताए कि ये सारे प्रॉपर्टी कैसे बेच दिया, क्यों बेच दिया। और थोड़ा समय के बाद जब डॉक्टर से इजाजत मिली उनका बच्चे से मिलने के लिए, वो तुरंत जाकर अपने बच्चे से पूछता है कि तूने सारी प्रॉपर्टी बेच दिया, कैसे बेचा, क्यों बेचा। पूछने के बाद उनका बेटा उनका पिताजी के आंख में आंख देकर बोलता है कि मैं कौन हूं, पहचाना मुझे। ऐसा सुनकर पिताजी अवाक होकर देखते रहता है, बच्चा मुझे ऐसा क्यों कहता है। तो वो बच्चा अपना परिचय देते हैं, मैं तेरा बेटा बेटा नहीं हूं, मैं तेरा दोस्त वो रामदास हूं। तूने मुझे धोखा दिया था, मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आया था। ऐसा कहकर वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। और यह सुनकर श्यामलाल खामोश होकर बैठ जाते हैं। रोने के लिए उनकी आंख पर आंसू भी नहीं आ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं एक कैसा कुदरत का खेल है। लेकिन ये बात सत्य है, शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित वो सामने हाजिर रहता है, और जो बात दिमाग में छप जाती है वो कभी भूलते नहीं है। इसलिए जब कोई मरने का समय होता है तो उनको खास गीता पढ़कर सुनाया जाता है, और खास उनको भगवान की याद दिलाई जाती है ताकि इस दुनिया की कोई भी बात वो पकड़ के ना रखे और उनकी बुरी गति ना हो, ताकि वो भगवान को याद करे और उनकी अच्छी गति हो। लेकिन अंत समय में वही याद आएगी जो बात हमारे अंदर में गहरे रूप में छिपी हुई होती है। गहरी कोई इच्छाएं हैं, गहरी कोई तृष्णाएं हैं, गहरे रूप में किसी से प्यार है या किसी से दुश्मनी है, वही बात ना चाहते हुए भी उनको याद आएगी और उसी प्रकार से उनकी गति होगी। अंत समय भगवान को भी याद तभी आएगी जब भगवान से हमारा कोई गहरी पहचान हो, भगवान से हमारा गहरा संबंध हो, गहरा हमारा भगवान से प्यार हो। इसलिए हम भगवान को अच्छी तरह से पहचानने की कोशिश करें और भगवान से प्यार का संबंध जोड़ने की कोशिश करें। अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगे तो आपके संपर्क में जो भी हैं उनको इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओम शांति।